मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और आपके हमारे जो इस छात्रावास के संचालक हैं, वार्डन हैं, उन सब से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जीवन में एक समय ही ऐसी चीज है कि वो कभी लौट कर नहीं आती है। अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग भी अभी विद्यार्थी बन जाएं, तो विद्यार्थी नहीं बन सकते। माने विद्यार्थी व्यक्ति वैसे जीवन भर रहता है, उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन ऐसे कक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी, कक्षा का शिक्षार्थी, एक क्लास में बैठने वाला विद्यार्थी, ये बनना बहुत मुश्किल है। हम लोग कोई सोचें कि हमने अपने समय में और थोड़ा पढ़ लिया होता, क्यों मैडम, कुछ और सीख लिया होता, थोड़ी सी हमसे चूक हो गई, थोड़ा हम पीछे रह गए, नहीं तो हम कुछ से कुछ और बन जाते। अगर हम बहुत दिनों बाद सोचते हैं, लेकिन तब तक समय बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए इन प्यारे बच्चों को एक चीज जरूर समझानी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए कि जब खेलने का समय है तो खूब खेलिए, खूब खेलिए, मन लगा के खेलिए पूरे मनोयोग से, और जब कक्षा रूम में आ जाइए तो जब अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, तो उस समय केवल पढ़ाई करिए। उस समय मन में फिर खेल का मैदान नहीं दिखना चाहिए, उस समय फिर टेलीविजन पर क्या आ रहा है यह नहीं दिखाई देना चाहिए, उस समय यह भी नहीं आना चाहिए कि वो मेरा जो दोस्त है, मेरी जो सखी है, सहेली है, वो क्या कर रही होगी, उस समय वो ध्यान नहीं आना चाहिए। उस समय केवल एकमेव होकर केवल हमें अपनी क्लास पर ही ध्यान देना होगा, अपनी शिक्षा पर ही ध्यान देना होगा। अगर इस प्रकार का हम कार्य कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इन बच्चों के माध्यम से जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारी कल्पना है, वो कल्पना साकार होगी। और बच्चों, मनुष्य क्या है कि अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जिस दिशा में सोचता है, जो बनना चाहता है, वो बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जो बनना चाहे, जो करना चाहे, वो कर सकता है। केवल और केवल उसको स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता होती है। कहते हैं, ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि हमारे देश के महान क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें काफी घायल हो गए। उनकी गाड़ी जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पलट गई। हरियाणा परिवहन निगम की जो बस थी, वो बस वहां से गुजर रही थी, उसके सामने ही जो है उनकी कार 3-4 बार पलटी खाकर गिरी और वो काफी चोटिल हो गए, खून से लथपथ हो गए। वहां के जो हरियाणा परिवहन निगम के चालक थे सुशील कुमार और उनके परिचालक परमजीत, इन्होंने जब उनकी कार रोलिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ को जा रही थी, उन्होंने देखा और अपनी गाड़ी रोककर उनको उस गाड़ी में से बाहर निकालने का काम किया, उनको बचाने का काम किया। हमने तय किया है कि बच्चों, जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर भी दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने आप में महान हो जाते हैं। तो ऐसे हरियाणा के जो चालक और परिचालक हैं, उन दोनों को 26 जनवरी को हम सम्मानित करेंगे हमारे राज्य की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और हमारे
प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे, अपने शिक्षक गणों का, अभी अपने वार्डन का, अपने जितने लोगों ने भी आपके जीवन में योगदान दिया है उनकी अपेक्षा अनुसार खूब आगे जाकर उन सब का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी वार्डन बंधुओं का भी सबका अभिनंदन, वार्डन मैडमों का भी सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही पुनः सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।